हरे कृष्णा राधे राधे। मेरे चैनल नटखट लड्डू गोपाल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए, देखिए इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन में बांसुरी। देखिए मार्केट में जो बांसुरी आती है वो इस तरीके की सिंपल बांसुरी आती है, और मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल जी की बांसुरी लेके आती हूँ तो मैं घर पे लाने के बाद में उन्हें खुद से डेकोरेट करके इस तरीके के डिज़ाइन में बना लेती हूँ, काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइंस में। आपने मेरी वीडियोस में मेरे ठाकुर जी के पास में इसी तरीके के नई नई डिज़ाइंस में बांसुरी देखी होगी। अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियोज़ देखी या फिर लॉन्ग वीडियोज़ देखी है तो मेरे ठाकुर जी के पास में एक ये बांसुरी थी जो ये टूट गई है, इसमें से जो जॉइंट आता है लगा हुआ ये हट गया था, तो ये अभी किसी काम की नहीं रही थी। बट मुझे फिर आइडिया आया कि मैं जैसे बाकी की बांसुरीज हैं जो मैं ये इस तरीके से डेकोरेट करके इन्हें रिक्रिएट कर लेती हूँ, तो मैं क्यों ना ये वाली बांसुरी मैं इसे दोबारा से रिक्रिएट कर लूँ और इसकी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो चलिए आज की वीडियो में हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी बांसुरी। बांसुरी बनाने के लिए आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो, जो इस तरीके की लेस हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं तो उनमें से बच जाती है, तो अगर इस तरीके की लेस या किसी भी तरीके की लेस आपके पास में है तो वो ले लीजिए। तो हमें चाहिए होगा फिर ग्लू, और इस तरीके का कोई फ्लावर अगर आपके पास में पड़ा हुआ है तो वो ले लीजिए, कोई भी फ्लावर चल जाएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। और मेरे पास कुछ मोती पड़े थे तो उन मोतियों की मैंने इस तरीके से लड़ी बना ली है बांसुरी में लगाने के लिए, जिस तरीके से मैंने इसमें लगा रखी है 3 लड़ी मैंने लगा रखी है, और इस बार मैंने ये 5 लड़ी बना के तैयार कर लिया। आपके पास मोती पड़े हो तो इस तरीके से आप लड़ी बना लीजिए। अभी मैं इस पर थोड़े से ना ग्लू लगा के इसे, ये धागे एक जगह चिपक जाएंगे, मैं इसे सेट होने के लिए रख दूँगी तब तक, ये देखिए। और मेरे पास इस तरीके का एक वेलवेट का मेरे पास एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस थी तो उस पर ये पैच लगा हुआ था, तो मैंने उस पर से ये उतार लिया था क्योंकि वो ड्रेस ख़राब हो चुकी थी। तो ये देखिए इस तरीके से मेरे पास एक पैच है, ये भी मैं लड्डू गोपाल जी की बांसुरी में लगाऊंगी। तो ये वेलवेट का फैब्रिक है तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, तो इसे हार्ड बनाने के लिए मैंने इस पर ग्लू लगा के ये जो बुकरम का पीस आता है मैं इस बुकरम के पीस को कट करके इस तरीके से जिस शेप में हमारा ये पैच है इस तरीके से मैं ये लगा दूँगी, ये देखिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो ये फैब्रिक है हमारा वेलवेट का ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और ये हम बांसुरी पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक तो ये हमारा हट चुका है बांसुरी से, हम इसे दूसरे को भी हटा लेते हैं बांसुरी से। तो ये देखिए मैंने ये अलग कर दिया है बांसुरी से। अगर आप इसे भी यूज़ करना चाहो तो किसी न किसी चीज़ में अगर आप लड्डू गोपाल जी की पगड़ी वगैरह बनाते हैं तो ये उसमें यूज़ हो जाएगा और काफ़ी प्यारा भी लगेगा। ये मैं रख लूँगी बाद में यूज़ के लिए। तो हमारे पास ये बांसुरी की स्टिक आ गई है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने ये पिंक कलर की मैं बांसुरी बना ली तो मैंने पिंक कलर का एक अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। इस पर मैं ग्लू लगाने के बाद में इस तरीके से इस फैब्रिक को पूरा का पूरा मैं ये जो हमारी बांसुरी है इस पर स्टिक कर दूँगी। इस तरीके से आपको ग्लू लगा के पूरा के पूरे फैब्रिक को बांसुरी पे चिपका देना है। क्योंकि ये जो लेस वगैरह है और ये बाकी की सारी जो चीज़ें हम बांसुरी पे लगाएंगे ये फैब्रिक पर ही चिपकेगी। इस तरीके से इस सारे फैब्रिक पे ग्लू लगाने के बाद में ये देखिए ये इस तरीके से मैंने इसे कवर कर लिया। अगर आपके पास कोई बांसुरी नहीं है जैसे कि ये मतलब वायर में है बांसुरी, अगर इस तरीके की नहीं है आपके पास तो आप जो स्टिक आती है लकड़ी की आती है जो स्टिक, वो एक प्लेन स्टिक ले सकते हो आप, या फिर प्लास्टिक का जो पाइप आता है वो ले सकते हो लड्डू गोपाल जी की। अगर बांसुरी आपको बनानी है उस पर इस तरीके से आप फैब्रिक स्टिक कर लेंगे, चिपका लेंगे
ये देखिए अभी और बाकी क्या करना है आपको। अब हम ले लेंगे ये फैब्रिक, ये जो वेलवेट का फैब्रिक था हमारे पास में, और इस तरीके से ग्लू लगा के हम ये यहाँ पे ऐसे एक, ये हमारा जो हमने मोती की जो लेयर बनाई थी 5, ये हम इस तरीके से चिपका लेंगे। और जो एक्स्ट्रा होगा हमारा वो अगर कवर हम कर सकते हैं तो वो कवर कर देंगे, वरना हम इसे जो एक्स्ट्रा होगा हमारा वो हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये कवर हो गया पूरा, ये अभी दिखेगा नहीं आपको, बट अभी हम इसे उठा नहीं सकते, जब ये सूख जाएगा हम तभी इसे उठाएंगे। तो अभी ये जो स्टिक है हमारी, इस पर हम इस तरीके से एक, तो ये हमने इस तरीके से फ्लावर इस पर चिपका दिया है, और दूसरा ये जो एक मतलब ये हमने लेस इस पर लगा दी है। अब हम ये फ्लावर इस लेस पे यहाँ पे इस तरीके से चिपका देंगे, जिससे जो हमारा जॉइंट था वो नहीं दिखेगा, ये सब कवर हो जाएगा। और बाकी हम इस लेस को माप लेंगे हमारी बांसुरी के साथ में, जो स्टिक के साथ में एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। और इस स्टिक पे हम ग्लू लगाने के बाद में इस तरीके से पूरी स्टिक पे ग्लू लगा लेंगे। और ये हमारी जो लेस है ये हम इस पे इस तरीके से चिपका देंगे। तो मेरे पास में इस तरीके के वाइट वाले जो मोती आते हैं ये पड़े हुए थे कुछ, तो अब ये जो मेरे पास मैंने फ्लावर बांसुरी पे लगाए हैं इस पे हम एक एक मोती चिपका देंगे बड़े वाला। और हमारी बहुत ही प्यारी सी बांसुरी बन जाएगी, इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये लग गए। और एक और मेरे पास में ये इस तरीके से छोटे वाले मोती थे, तो अभी ये छोटे वाले मोती का हम क्या करेंगे, ये जो हमने फ्लावर बांसुरी पे लगाए हैं तो ये हम इस इनकी जो पंखुड़ी है फ्लावर की इस पर चारों तरफ ग्लू लगा लेंगे। और ये जो छोटे वाले मोती है वो हम इन पर चिपका देंगे इस तरीके से, तो हमारी बांसुरी और ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो ये देखिए हमारी जो बांसुरी है ये बन के तैयार हो गई है, और बांसुरी बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो फ्रंट की साइड से हमारी बांसुरी का लुक ये है, और बैक साइड से हमारी बांसुरी का लुक ये होगा, जो काफ़ी प्यारी लग रही है। तो देखिए ये बांसुरी हमारी टूट चुकी थी, ये बांसुरी हमारी किसी काम की नहीं रही थी, बट इसे हमने एक ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक काफ़ी प्यारा अच्छा सा लुक दिया है, और बहुत प्यारी लग रही है हमारी बांसुरी। तो इसी तरीके से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की सिंपल सी बांसुरी को काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हो। तो मैंने ये जो नए तरीके से ये बांसुरी डेकोरेट की है, ये आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरि बोल।